नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। सो गाइस, अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु आज रिलीज हो गई। ऑडियंस इस मूवी के लिए काफी टाइम से एक्साइटेड थी। अब देखो, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि राम सेतु अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज हिंदू मानते हैं कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना द्वारा किया गया था, पर साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि राम सेतु कोई मैन मेड नहीं बल्कि नेचर की कारीगरी है। बेसिकली साइंटिस्ट का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से राम सेतु अपने आप बन गया और समय के साथ अपने आप ही बिखर गया। पर समय समय पर ऐसे कई एविडेंस सामने आए हैं जो ये बात कंफर्म करते हैं कि राम सेतु एक्चुअल में मैनमेड है, ये कोई नेचर की कारीगरी नहीं है। पर चलो, ये तो हो गया राम सेतु का इतिहास। पर वापस आते हैं मूवी पर। अब देखो, राम सेतु मूवी की कहानी घूमती है आर्कियोलॉजिस्ट अक्षय कुमार के इर्द गिर्द, जिसे ये जिम्मेदारी मिली है कि वो जाकर पता लगाए कि राम सेतु एक्चुअल में है या नहीं। अब देखो, इस मूवी में प्रोटैगनिस्ट है अक्षय कुमार, जिनका काम है राम सेतु को बचाना, और इस मूवी के एंटैगनिस्ट राम सेतु को तोड़वाना चाहते हैं अपने निजी फायदे के लिए, और यही है इस मूवी का पूरा प्लॉट। और अब आगे इस मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब देखो, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत सही है, पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी मूवी का कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया होता है उसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, और इसी चीज़ में ये मूवी लैक करती है। आई थिंक मेकर्स और अक्षय कुमार को बहुत जल्दी थी इस मूवी को कंप्लीट करने की, और शायद इसीलिए उन्होंने इस मूवी के VFX पर ध्यान नहीं दिया। कसम से, इस मूवी के VFX बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, खासकर ये लैब वाला सीन। कौन सी लैब इतनी ज़्यादा फेक दिखती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को साल में 4 फिल्में नहीं करनी चाहिए बल्कि सिर्फ 2 फिल्में करनी चाहिए, पर वो 2 फिल्में भी बढ़िया होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। तो कुल मिला के ये मूवी एवरेज है। अब अगर तुम अक्षय कुमार के फैन हो तो तुम ये मूवी देख सकते हो, और अगर फैन नहीं हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी देखकर आपको खुशी मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर कहीं नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।